2, 3, 4। तो गाइस आज हम आए हैं यहाँ पर भूत वाले खंडार पे, भूत वाले खंडार पे आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भूत वाला खंडार है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो जिन आता है तो वो क्या करता है। आइए आप चलते हैं। तो आज मैं गाइस आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो जिन आता है, यहाँ पर उसका पानी भी रखा हुआ है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका पानी भी रखा हुआ। और ये नल है, ये बहुत काफ़ी पुराना है, ये गाइस देख सकते हैं। लेकिन इसको बहुत से लोग कहते हैं कि वो भूत खंडाल है, लेकिन ये कोई भूत खंडाल नहीं है गाइस। ऐसी हम जैसे कि कर रहे हैं कुछ करने के लिए, ये कोई भूत खंडाल नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भूत मतलब जैसे भूत है यहाँ पर, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर कितनी बड़ी कोठी है। और यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको भी कितनी बड़ी कोठी है। और यहाँ पर सारे बहुत सारे पेड़ भी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक कोठी है, यहाँ पर बल्ब वल्ब कोई नहीं जलती। ये सब बकरी साहब होती हैं जिसकी ज़्यादातर मंगनी भी होती है, यहाँ पर निकाह को सब पढ़ाया जाता है गाइस दोस्तों। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब सब का सब लगा हुआ है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर पेड़ भी हैं बहुत सारी, गुलाब गुलाब सब कुछ है। और यहाँ पर आप बहुत सारे कमरे भी हैं, इधर साइड में कमरा जाता है। बहुत सारे कमरे भी यहाँ उधर साइड में कमरा जाता है। बस आप देख सकते हैं यहाँ पर कमरा अभी इसमें कुंडी लगी हुई है। बस बहुत सारी, बहुत पुराने ये खंडार है, बस बहुत पुराना खंडार है ये। तो यहाँ पर आज हम आए हैं, हमें है मुरादाबाद से। बस यहाँ पर आए हैं, चल आइए बस हम आपको दिखा दूँ कि कमरा कौन सा खुलता है। नाम तो बोल, इसका नाम तो बोल, क्या है इसका नाम तो बोल। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर भूत रहता है। तो ये मेरा दोस्त है गाइस, इसका जो ब्लॉग बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भूत भूत नहीं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये देखिए छत्ते कितने हैं, आप देख सकते हैं फोटो बहुत सब देख सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग गाइस, और आपको दिखा दूँ मैं अगर आपको बंद कर देते हैं। बहुत पुराना खंडर है, पंखा चल जाता है, पंखा नहीं है जगह। और यहाँ पर अब सब पे टावर लगा हुआ है, जगह ये जो मेन कमरा है गाइस, ये मेन कमरा इसमें टावर लगा हुआ है। तो गाइस दोस्तों थैंक यू, आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।